न्यूज बाइस्कोप की टीम लगातार छात्र अस्मित आकाश के मौत के मामले में तमाम पहलुओं को आम जनता तक लाने का प्रयास कर रही है, अपने दर्शकों तक लाने का प्रयास कर रही है। अभी हम स्कूल के कैंपस के पास पहुंचे हुए हैं, हमने अंदर जाने का प्रयास किया लेकिन स्कूल प्रबंधन के और जो सुरक्षाकर्मी है उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। और देख सकते हैं कि काफ़ी सन्नाटा है यहाँ पर, सुरक्षाकर्मियों की संख्या में भी इजाफा कर दी गई है और बिल्कुल जहाँ पर बच्चों से गुलजार रहता था या कैंपस, वो पूरी तरह से स्कूल का जो कैंपस है वो आज सन्नाटे में डूबा हुआ है। कहीं ना कहीं स्कूल के छात्र की जब इस तरह से दुखद मौत हो जाती है तो स्कूल भी आज बच्चों को आज छुट्टी दे दी गई है स्कूल की तरफ से। तो जिस तरह से हमने जो प्रयास किया बात करने का, तो क्या कुछ स्कूल प्रबंधन की तरफ से कहा गया, सीधे हमारा सहयोगी है यहाँ पर अनिल, उनसे बात करते हैं। अनिल बताइए क्या कहा गया हम लोगों को अब जब हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया अंदर जाने का। तो देखिए हम लोग जब 22 स्कूल टीम हम लोग यहाँ पहुँचे तो स्कूल प्रबंधक द्वारा जो सिक्योरिटी पे है उन्होंने हम लोग रोक दिया। उन्होंने कहा कि अभी मीटिंग चल रही है और अभी किसी के अलावा नहीं है, प्रशासन द्वारा रोक लगा दी है। और जो ये कम्युनिकेशन तो टू वे होनी चाहिए, चूँकि उनका पक्ष भी हम लोग तक आना चाहिए। जी हमने कहा कि देखिए हम लोग आप मीडिया कर्मी हैं, हम लोग आपका पद जानना चाहते हैं, अगला आप पे आरोप लगा रही है, पर इन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी आप लोगों से हम कोई बात नहीं होगी, मीडिया से अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग मीडिया कर्मियों लोग को आपको बुला ली जाएगी, पूरी मीटिंग की जानकारी आप लोगों को साझा की जाएगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो लोग बाहर आए थे उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बार फिर से उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमसे बात ज़रूर करें। और यह बात इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह के आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाए गए हैं और उन आरोपों का जवाब स्कूल प्रबंधन को ज़रूर देना चाहिए, डिनोबली ग्रुप को ज़रूर देना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो सके, पूरा मामला जो है वो आईने की तरह साफ हो सके और पूरे मामले में जो अस्मित के परिवार हैं, परिजन हैं, उनके जो माता पिता हैं उन्हें न्याय मिल सके। सहयोगी अनिल के साथ और कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।